रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। वेलकम टू पंजाबी फूड व्लॉग। व्यूवर्स कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से बिल्कुल ठीक होंगे सब, खैरियत से होंगे, खुश होंगे और फिट होंगे। व्यूवर्स गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में गर्मी से बचने के लिए हम सबको ठंडे मशरूबात की ज़रूरत होती है और ठंडे मशरूबात हमारे लिए अल्लाह की रहमत हैं। तो आज मैं आपके साथ जो मशरूब शेयर करने जा रही हूँ वो है देसी बिल्कुल सिंपल शरबत, सौंफ का शरबत या सौंफ की सरदाई। बिल्कुल इजी है बनाना, आइए इसको शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले मैंने लिए हैं सौंफ, ये बाज़ार से नहीं लिए, हमारे घर के अपने पके हुए हैं। इनका कलर जो है पक के ऐसा हुआ हुआ है, बाज़ार में जो होते हैं उनको तकरीबन ग्रीन कलर किया जाता है, तो ये प्योर साफ़ सुथरे सौंफ है। और इसको मैं किसी ग्राइंडर में नहीं बनाऊंगी या जूसर में, इसको मैं इसमें कुंडी में बनाऊंगी और डंडे के साथ बनाऊंगी। ये मैंने कुछ लिए हैं सौंफ और साथ इसके लिए हैं बादाम, तो इनको हम मिक्स करके तो हम कूटेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनको हम अच्छी तरह से ऐसे क्रश कर लेंगे और पीस लेंगे बिल्कुल सरदाई वाली खशखाश की तरह। इसमें हम पुदीने का भी इस्तेमाल करेंगे, अगर तो आपके पास फ्रेश पुदीना सब्ज़ पुदीना है तो वो डाल लें, अगर नहीं है तो फिर ये एक चुटकी मैं खुश्क पुदीना डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो हमारा ये सरदाई जो है सौंफ का शरबत वो हो चुका है तैयार, अब हम इसको भून लेंगे। ये अच्छी तरह हमारा पीस के तैयार हो चुका है, अब हम इसको भून लेंगे। माने रहीम जी, तो ये हमने भून के उसको स्ट्रेन करके तो ये हमारा जो है ना शरबत हासिल हुआ है सौंफ का। अब हम इसमें डाल देते हैं चीनी और साथ ही डाल देंगे कुछ पानी। चीनी अब हम इसमें मिक्स कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हम गिलास में डाल देते हैं बर्फ़। चीनी हमारी हल हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जी तो हमारा ड्रिंक तैयार हो चुका है, बेहतरीन सरदाई तैयार हो चुकी है सौंफ और पुदीने की, बहुत मज़े की है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। ये गर्मियों का एक ख़ास तोहफ़ा है,
और बच्चों के लिए तो ये बहुत ही अच्छी है। वो बच्चे जो कि बता नहीं सकते, बिल्कुल छोटे होते हैं, उनके पेट में कोई तकलीफ़ हो, कोई मसला हो मैदे में और वो हमें बता नहीं सकते, तो उनके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। पेट को उनके साफ़ रखती है, मैदे को उनको सही रखती है, उनके हाजमे की जो कुव्वत है वो बढ़ाती है। तो पहले मतलब के बड़ी हमारी दादियाँ नानियाँ जो थीं वो बच्चों के लिए सौंफ को बहुत इस्तेमाल करती थी, और अब भी हम इधर मतलब देहातों में भी शहरों में भी लोग करते हैं सौंफ को यकीनन इस्तेमाल, बड़ी अच्छी चीज़ है। तो ये बहुत अच्छा ड्रिंक है और गर्मियों में तो ख़ास तौर पे ये हमें गर्मी से बचाता है और बहुत ही बेहतरीन लाजवाब ड्रिंक है। ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकॉन को क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलना, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक जल्दी पहुँचे। आइंदा नई वीडियो आने तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह आप सबका निगेबान, अल्लाह आप सबको खैर आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, खुश व खुर्रम रखे, खैरियत से रखे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।